गुड इवनिंग प्यारे बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ कि आप लोग काफ़ी अच्छे होंगे। आज मैं फिर से आप सभी को मनोविज्ञान पढ़ाने के लिए आया हूँ। मनोविज्ञान, जिसे हम अंग्रेजी में साइकोलॉजी भी बोलते हैं, मनोविज्ञान का हमारा बेसिक क्लास समाप्त हो चुका है। बेसिक क्लास हमारा पिछले ही क्लास में समाप्त हुआ, ठीक है, जिसके अंतर्गत मैंने मनोविज्ञान का अर्थ बतलाया, किस प्रकार मनोविज्ञान एक विषय के रूप में बना इनके बारे में बताया, मनोविज्ञान के आधुनिक जनक के बारे में बताया, तथा मनोविज्ञान को जो हम अंग्रेजी में साइकोलॉजी बोलते हैं, ये साइकोलॉजी शब्द कैसे बना, किन शब्दों से मिलकर के बना, साइकी प्लस लोगस, साइकी का क्या अर्थ होता है, ठीक है, लोगस का क्या अर्थ होता है, इन सभी बातों की चर्चा मैंने आप सभी को किया था। और जो भी बेसिक पॉइंट था, मेन पॉइंट था, उन्हें मैं क्या कर दिया, मैं आपको समाप्त कर दिया। अब तो बेसिक तो समाप्त हो गया, अब यहाँ पे प्रश्न आता है कि सर अब तो अध्याय को प्रारंभ करिए। तो अब हम आप सभी को मनोविज्ञान का जो प्रथम अध्याय है, प्रथम अध्याय को प्रारंभ करने के लिए जा रहे हैं, ठीक है। लेकिन प्रथम अध्याय पढ़ाने से पहले मैं आपको बताऊँगा कि मैं किस बुक से प्रथम अध्याय प्रारंभ करूँगा। मनोविज्ञान छोड़ करके जितने भी विषय हैं, चाहे हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, पॉलिटिकल साइंस हो, सभी का सभी मैं एनसीईआरटी के बेस पर मैं आपको पढ़ाता हूँ, ठीक है। लेकिन यदि मैं साइकोलॉजी की बात करूँ, अर्थात मनोविज्ञान की बात करूँ, तो मनोविज्ञान का यह हो गया आपका एनसीईआरटी बुक हो गया, ठीक है, अर्थात बिहार बोर्ड का यह आपका बुक हो गया। इस बुक में यदि मैं अध्याय की बात करूँ तो कुल मिलाकर के 9 अध्याय हैं। कितने अध्याय हैं? 9, अर्थात जो बिहार बोर्ड आपको मनोविज्ञान का बुक दिया है, उन बुक में कितना अध्याय है? 9 अध्याय है। तो प्यारे बच्चों, इन 9 अध्याय का अध्ययन करना काफ़ी डिफिकल्ट हो जाता है, ठीक है। तो इन अध्याय को आसान भाषा में तोड़ करके एसपीपीडी बुक बड़ी अच्छा से दे रखा है। ये जो एसपीपीडी बुक है, इन 9 अध्याय को तोड़ करके काफ़ी अच्छे से आपको बतलाया है। इसलिए मैं आपको जो मनोविज्ञान जो पढ़ाऊंगा कक्षा 12वीं में बिहार बोर्ड में, वह एसपीपीडी बुक के आधार पर मैं आपको पढ़ाऊंगा। अब एसपीपीडी ने क्या किया, ये जो आपको 9 अध्याय दिया हुआ है, इसी 9 अध्याय को आपके अध्ययन की सुविधा के लिए एक अध्याय को 3 अध्याय में बदल दिया, दूसरे अध्याय को भी 3 अध्याय में बदल दिया। इसलिए 9 से अध्याय बढ़ करके एसपीपीडी में कुल अध्याय की संख्या लगभग 21 हो जाती है। कितना? हाँ, 21, ठीक है। अर्थात मेन अध्याय में मनोविज्ञान में कितना अध्याय है? 9 अध्याय है। एसपीपीडी में कितना है? 21। तो 21 कैसे हो गया अध्याय? तो एक अध्याय को यह 3 अध्याय में बांट दिया, ठीक है, यानी एक अध्याय को 3 अध्याय करके पढ़ा दिया। इस प्रकार से कुल अध्याय आपको 21 अध्याय आपको बन जाता है। तो प्यारे बच्चों, मैं क्या करूंगा, मैं आपको एसपीपीडी बुक के आधार पर ही आपको पढ़ाऊंगा, अर्थात मैं आपको कुल मिलाकर के 21 अध्याय पढ़ाऊंगा, ठीक है। कितने अध्याय प्यारे बच्चों पढ़ाऊंगा? तो आपको 21 अध्याय पढ़ाऊंगा। इसलिए आपका जो हर अध्याय होगा, वह अध्याय काफ़ी छोटा छोटा अध्याय होगा, अर्थात लघु में 5-6 प्रश्न होंगे, दीर्घ में 2 प्रश्न होंगे, ऑब्जेक्टिव भी बहुत कम देखने को मिलेगा, ठीक है। इसलिए जो भी अध्याय में प्रश्न उत्तर का जो हम आपको कराएंगे, वो काफ़ी छोटा छोटा हम आपको कराएंगे। आप समझ गए कि मैं क्यों छोटा छोटा कराऊँगा, ठीक है, क्योंकि जो मेन जो 9 अध्याय है, उन 9 अध्याय को तोड़ करके एसपीपीडी में 21 अध्याय आपको किया गया है, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, चलिए हम लोग अध्याय को प्रारंभ करते हैं। एसपीपीडी बुक के अनुसार जो आपका पहला अध्याय है, उन पहला अध्याय का मैं सर्वप्रथम शीर्षक देता हूं, ठीक है। तो हमारा पहला अध्याय का शीर्षक है, आप लोग भी शीर्षक दीजिएगा, साइकोलॉजी बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, पढ़िएगा तो एकदम मन लगेगा, मनोविज्ञान, मनोवैज्ञानिक, ठीक है, मनोवैज्ञानिक गुणों में विभिन्नताएं एवं
मूल्यांकन, ये अध्याय का शीर्षक है मूल्यांकन, ठीक है, ये मेन शीर्षक। इसके अंतर्गत हम लोग देखेंगे बुद्धि के सिद्धांत, ठीक है, बुद्धि के सिद्धांत एवं व्यक्तिगत भिन्नताएं, ठीक है, ये मेरा हो गया शीर्षक, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, हमारा जो प्रथम अध्याय है मनोविज्ञान का, वो प्रथम अध्याय क्या, उनका शीर्षक क्या निकल के आ रहा है, उनका शीर्षक आ रहा है मनोवैज्ञानिक गुणों में विभिन्नताएं एवं मूल्यांकन, अर्थात मनोवैज्ञानिक का जो गुण है उनके गुण में विभिन्नताएं एवं उनका क्या देखना है, तो आपको मूल्यांकन देखना है। इन टॉपिक के अंतर्गत हमको बस और बस बुद्धि के बारे में पढ़ना है, इसलिए देखिएगा बुद्धि के सिद्धांत एवं व्यक्तिगत भिन्नताएं, अर्थात हमें क्या पढ़ना है, तो बुद्धि के सिद्धांत को पढ़ना है एवं उनका जो व्यक्तिगत भिन्नताएं हैं उनके बारे में पढ़ना है। तो चूंकि बुद्धि का सिद्धांत पढ़ेंगे तो सबसे पहले हमें तो जानना पड़ेगा कि बुद्धि क्या होता है, बुद्धि के कितने प्रकार होता है, बुद्धि के क्या सिद्धांत है कि नहीं। तो सर्वप्रथम हमें क्या जानना है, हमें तो बुद्धि के बारे में जानना है, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, इस बुद्धि पॉइंट को समझाने से पहले मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि यदि आपने अभी तक हमारे पेड कोर्स को ज्वाइन नहीं कर रखा है तो आप अवश्य रूप से ज्वाइन कर लीजिए। पांचों विषय का पूरे साल का, ठीक है, मात्र आपको 1500 रुपये लग रहे हैं फरवरी तक, 1 मार्च से 1500 से बढ़कर के 2000 फी आपके हो जाएंगे, ठीक है। यदि आप हमारे पेड कोर्स में ज्वाइन करना चाहते हैं तो पेड कोर्स में चैप्टर वाइज पढ़ाए जाएंगे, चैप्टर वाइज नोट्स दिए जाएंगे, उनमें MBBI तथा BBI क्वेश्चन को चिन्हित किए जाएंगे, अक्टूबर के अंत में कोर्स को समाप्त करने के बाद रिवीजन भी कराए जाएंगे, रिवीजन के लिए फ्री में गैस क्वेश्चन दिया जाएगा, उस समय गैस क्वेश्चन चार्जेबल रहता है, अर्थात अभी से लेकर के एग्जाम होने तक का पांचों विषय का फी मात्र 1500 लग रहा है फरवरी तक, 1 मार्च से फी आपका 2000 आपको हो जाएंगे। यदि आप जुड़ना चाहते हैं तो आप कॉल कर सकते हैं, हमारा नंबर है 70 61 50 45 52, इस नंबर पर कॉल करें और हमारे पेड कोर्स को ज्वाइन करें। कैसे ज्वाइन करना है, कॉल करके आप पूछ सकते हैं, ठीक है। तो 70 61 50 45 52 इस नंबर पर कॉल करके अधिक जानकारी प्राप्त करें। चलिए अब हम लोग आते हैं मेन पॉइंट पे। हमारा जो पॉइंट है, पहले बुद्धि के सिद्धांत जो समझेंगे तो सबसे पहले हमको क्या समझना है, बुद्धि हमको क्या समझना है, बुद्धि क्या होता है, बुद्धि क्या होता है, हमको सबसे पहले जानना है क्या, बुद्धि जानना है, ठीक है। तो बुद्धि का क्या अर्थ होता है, आज हम लोग बुद्धि का सबसे पहले क्या देखेंगे, तो अर्थ देखेंगे। जब हम अर्थ देख लेंगे फिर उसके बाद हम लोग क्या, तो ऑटोमेटिक बुद्धि का क्या परिभाषा होगा, परिभाषा को जान लेंगे, बुद्धि का क्या प्रकार होगा, प्रकार को जान लेंगे, फिर हम लोग बुद्धि के सिद्धांत के बारे में अच्छे से जान लेंगे। तो बुद्धि के अर्थ के बारे में कहा गया है कि दैनिक बोलचाल का जो भाषा होता है, दैनिक बोलचाल में प्रयोग किए जाने वाला जो भी विचार है, उस विचार से बुद्धि का अर्थ आपको लगाया गया है, ठीक है। अर्थात दैनिक जीवन में जो भी आपका चिंतन है, चिंतन कौन करता है, बुद्धि करता है। कोई भी उद्देश्य पूरा करने का कार्य कौन करता है, बुद्धि करता है। बुद्धि करता है कि नहीं करता है, इसी प्रकार हमको बुद्धि को देख लेना है। तो बुद्धि के बारे में आपको यदि अर्थ के बारे में आपका हो जाएगा कि बुद्धि वह समर्ग क्षमता है, मैं यहां पर लिख देता हूं, बुद्धि वह
समर्ग क्षमता है जो व्यक्ति को अभी प्यारे बच्चों हम लोग बुद्धि का अर्थ देख रहे हैं, परिभाषा बाद में देखेंगे, ठीक है। परिभाषा के संदर्भ में मतभेद है इसलिए परिभाषा को बाद में देखेंगे, पहले अर्थ हम लोग देख लेते हैं। बुद्धि वह समर्ग क्षमता है जो व्यक्ति बुद्धि वह समर्ग क्षमता है जो व्यक्ति को तर्कपूर्ण चिंतन कमा उद्देश्यपूर्ण, ठीक है, उद्देश्यपूर्ण कार्य एवं प्रभावपूर्ण समायोजन में मदद करती है, ठीक है। बुद्धि का अर्थ क्या है? तो प्यारे बच्चों बुद्धि वह समर्ग क्षमता है, अर्थात बुद्धि वह क्षमता है यानी पूरा बुद्धि वह क्षमता है जो व्यक्ति को तर्कपूर्ण चिंतन में पहला बात मदद करेगा। किसमें मदद करेगा? तर्कपूर्ण चिंतन में। यदि आप चिंतन कर रहे हैं, आप सोच रहे हैं, आप किसी के बारे में गंभीर चिंतन कर रहे हैं, सोच रहे हैं, विचार प्रकट कर रहे हैं, विचार लगा रहे हैं, किनके कारण? बुद्धि के कारण। तो बुद्धि आपको मदद करता है चिंतन करने में, ठीक है। इसके अलावा और किन में मदद करता है? तो उद्देश्यपूर्ण कार्य में, उद्देश्यपूर्ण कार्य के लिए जो भी आप चिंतन करिएगा, कार्य करिएगा, वो किसके माध्यम से ही? तो बुद्धि के ही माध्यम से। बुद्धि ही आपको मदद करता है, क्या करता है? बुद्धि ही आपको मदद करता है एवं प्रभावपूर्ण समायोजन में मदद करती है। तो कुल मिलाकर के कहें कि यदि व्यक्ति चिंतन कर पाता है तो किसकी मदद से कर पाता है? बुद्धि, अर्थात बुद्धि का यह कार्य हो जाता है। बुद्धि का यह क्या हो जाता है? तो प्यारे बच्चों आपको कार्य हो जाता है, ठीक है। तो व्यक्ति को बुद्धि क्या करता है? व्यक्ति को ठीक है, तर्कपूर्ण चिंतन में सहायक होती है। अभी पॉइंट लिख लीजिए, हम आपको काफी अच्छे से समझा देता हूं। उसके बाद व्यक्ति को उद्देश्यपूर्ण कार्य में सहायक होती है, और क्या क्या हो सकता है? व्यक्ति को उद्देश्यपूर्ण कार्य में सहायक होती है, ठीक है। इसके अलावा और भी है, ठीक है। अब देखिए, व्यक्ति बुद्धि जो है व्यक्ति को तर्कपूर्ण चिंतन में सहायक होती है, व्यक्ति को उद्देश्यपूर्ण कार्य में सहायक होती है। कौन होती है? तो प्यारे बच्चों बुद्धि होती है, ठीक है। बुद्धि को यदि और आप अच्छे बेहतरीन से समझना चाहते हैं कि नहीं हमको सर और अच्छे से समझाया, तो हम क्या करते हैं? बुद्धि को कंपेयर करते हैं किससे? तो एक अलग चीज से। इसका एक हम लेते हैं, आप ऐसे करके समझिएगा, एक तो मेरा बुद्धि हो गया, एक हम लेते हैं ज्ञान। क्या लेते हैं? ज्ञान। अब आप लोग अच्छे से एकदम मस्त तरीके से समझिएगा, ठीक है। अब यहां पे प्रश्न होता है, बुद्धि क्या होता है, ज्ञान क्या होता है? बहुत बच्चे कहेंगे सर जी बुद्धि और ज्ञान दोनों एक होता है। बुद्धि और ज्ञान दोनों क्या होता है? दोनों एक होता है। नहीं, बुद्धि अलग होता है, ज्ञान अलग होता है। बुद्धि अलग होता है, ज्ञान अलग होता है, दोनों के बीच अंतर होता है। अंतर क्या होता है? चलिए अंतर बताते हैं, ठीक है। देखिए, बुद्धि जो होता है प्यारे बच्चों, यह बुद्धि पहला बात, यह जो बुद्धि होता है जन्मजात हो सकता है। क्या हो सकता है प्यारे बच्चों? जन्मजात। मैं यहां पर लिख देता हूं, बुद्धि जन्म जात हो सकती है,
हो सकती है। अर्थात ये जो है पीढ़ी दर पीढ़ी बच्चों में मिल सकती है, ठीक है, पीढ़ी दर पीढ़ी मिल सकती है। जैसे देखिएगा, किसी के पिताजी जो है वो दिमाग के बहुत चालू होते हैं, मतलब कि बहुत उनका सोचने का, चिंतन करने का जो कैपेसिटी होता है वह आपको ज़्यादा होता है। तो बच्चा सबको भी देखिएगा कि जिनके पिताजी चिंतन ज़्यादा कर पाते हैं, ज़्यादा सोच पाते हैं, उनका बेटा भी जो है उसी के भांति सोचता है, ठीक है, उसी के भांति जो है बुद्धि जैसा कार्य करता है। ऐसा देखे हैं कि नहीं देखे? तो बुद्धि जन्मजात हो सकती है, बुद्धि जो है जन्मजात हो सकती है, ठीक है। बुद्धि जो है वह पुस्तकीय ज्ञान नहीं होती है, बुद्धि पुस्तकीय ज्ञान, बुद्धि पुस्तकीय ज्ञान नहीं होती। अर्थात बुद्धि जो है किसी पुस्तक को पढ़ करके हम लोग बुद्धि को प्राप्त नहीं करते हैं, ठीक है। जबकि प्यारे बच्चों ज्ञान क्या होता है, जो ज्ञान है ज्ञान क्या होता है, तो ज्ञान जो होता है वह ज्ञान को हासिल किया जाता है, ज्ञान को हासिल किया जाता है, अर्थात पढ़ करके हम हासिल कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए जैसे देखिए, जैसे मान के चलिए कि इतिहास, इतिहास आपका विषय क्या हो गया, इतिहास। अब यदि मान के चलिए मैं इतिहास को पढ़ा, इतिहास को खूब पढ़ा, तो इतिहास के बारे में पूरे मैं विद्वान बन गया। मैं क्या बन गया, मैं विद्वान बन गया। अब इतिहास को मैं इतना पढ़ा कि इतिहास के बारे में मैं विद्वान हो गया, अर्थात मेरे पास ज्ञान है। मेरे पास क्या है, ज्ञान। ये ज्ञान है किसका, इतिहास का। मेरे पास इतिहास का ज्ञान है। यह ज्ञान हमें कैसे प्राप्त हुआ, तो यह ज्ञान हमें किताबों से पढ़ करके प्राप्त हुआ, यह ज्ञान हमें किताबों से पढ़ करके प्राप्त हुआ, ठीक है। अर्थात ज्ञान जो होता है, ज्ञान पुस्तकीय होता है। जो हम पुस्तक के माध्यम से जो पढ़ करके प्राप्त करते हैं, किताबों से जो हम पढ़ करके प्राप्त करेंगे, अर्थात ये जो किताब है इसमें जो भी लिखा हुआ है इसको पढ़ करके जो हम जानेंगे वह ज्ञान कहलाएगा, वह क्या कहलाएगा, ज्ञान कहलाएगा, ठीक है। जबकि बुद्धि को इस प्रकार से हासिल प्राप्त आपको नहीं किया जा सकता, बुद्धि को इस प्रकार से प्राप्त नहीं किया जा सकता है, ठीक है। अब मैं जैसे इतिहास को पढ़ा, इतिहास का मैं ज्ञान को प्राप्त किया, तो मैं क्या बन गया, मैं ज्ञानी बन गया, अर्थात मैं विद्वान बन गया। मैं क्या बन गया, विद्वान। किसका विद्वान, इतिहास का विद्वान। इतिहास का कैसे बना विद्वान, क्योंकि मैं भर जिंदगी इतिहास ही पढ़ा, इंटर से लेकर के पीजी से लेकर के पीएचडी तक खाली इतिहास ही पढ़ा, तो मैं इतिहास का विद्वान बन गया, ठीक है। जबकि बुद्धि जो होता है, बुद्धि को ज्ञान से कोई लेना देना नहीं होता है। बुद्धि क्या करता है, बुद्धि अपना दिमाग को दौड़ाता है, बुद्धि चिंतन करता है। बुद्धि का काम क्या, बुद्धि का काम चिंतन करना, ठीक है। तो जिसके पास ज्यादा बुद्धि होता है वह बुद्धिमान कहलाता है। क्या कहलाता है, बुद्धिमान। मैं यहां पर अच्छे से आपको लिख देता हूं, ठीक है, इसको मैं मिटा देता हूं, आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है ना। जैसे देखिए, किताबों को पढ़ करके मैंने ज्ञान प्राप्त किया। जैसे मैंने किताब पढ़ा इतिहास का, इतिहास को इंटर से लेकर के मैंने पीएचडी तक खाली इतिहास ही पढ़ा, तो मैं इतिहास का क्या बन गया, इतिहास का विद्वान बन गया, ठीक है, विद्वान बन गया। किसका, इतिहास का। यहां तक समझ गए, ज्ञान को क्या किया जाता है, तो प्यारे बच्चों ज्ञान को प्राप्त किया जाता है किताबों से पढ़ करके, पुस्तकों को पढ़ करके। जबकि बुद्धि जो होता है, बुद्धि हासिल पढ़ करके हासिल नहीं किया जा सकता, अर्थात बुद्धि पुस्तकीय नहीं होता। तो जिसके पास ज्यादा बुद्धि होगा वह क्या कहलाएगा, वह बुद्धिमान कहलाएगा, ठीक है, क्या कहलाएगा, बुद्धिमान, ठीक है, बुद्धिमान आपको कहलाया, ठीक है, बुद्धिमान। अब देखिए, अब जरूरी नहीं कि हर बुद्धिमान विद्वान हो और हर विद्वान क्या हो, बुद्धिमान हो। बुद्धिमान कौन बनेगा, जिसके पास बुद्धि होगा।
बुद्धि जो होता है, बुद्धि का अर्थ होता है, बुद्धि का अर्थ विचार से लगाया गया, चिंतन से लगाया गया है। आप जिस समाज में रह रहे हैं उस समाज को देख करके आप जो सीखें, जिस समाज में रह रहे हैं उस समाज में रह करके आप जो सीखे, जो हासिल किए, वही आपका क्या, वही आपका बुद्धि है। आप किसी समस्या में फंस गए, आप किसी समस्या में फंस गए, उस समस्या से कैसे निकलिएगा, इसका समाधान कौन करेगा, इसका समाधान बुद्धि करेगा। मान के चलिए कि मैं एगो कुइयां में गिर गया, ठीक है, मैं कुइयां में क्या हूं, तो गिरा हुआ हूं। तो कुइयां में गिरने से क्या हमको कभी ज्ञान काम देगा? ये जो ज्ञान है, जो मैं विद्वान हूं इतिहास का, काम देगा? काम नहीं देगा। हमको काम कौन देगा? हमको काम देगा बुद्धि। अब बुद्धि कहेगा कि ऐसा कौन सा तुम दिमाग लगाएगा कि कुइयां से निकल जाएगा। तो मैंने दिमाग लगाया, मैंने क्या दिमाग लगाया, मैं दिमाग लगाया कि मैं कुआं में, मैं क्या किया, तो कुआं के दिमाग लगा करके जैसे तैसे मैं कुआं से बाहर निकल गया। तो समस्या था कि कुआं में फंसा हुआ, उस समस्या का समाधान करने के लिए हमें किसका जरूरत पड़ता है, हमें बुद्धि का जरूरत पड़ता है। जिसके पास ज़्यादा बुद्धि है तो बुद्धिमान कहलाता है, जिसके पास ज्ञान ज़्यादा है वो ज्ञानी कहलाता है, अर्थात वो विद्वान कहलाता है। अब देखिए, अब जितने भी विद्वान हैं, मान के चलो मैं विद्वान हूँ, मैं क्या हूँ, मैं विद्वान हूँ, और यदि मैं विद्वान हूँ तो जरूरी नहीं कि मैं क्या हो सकूँ, तो मैं बुद्धिमान भी हो सकूँ, ये जरूरी आपका नहीं है। अर्थात हर विद्वान बुद्धिमान नहीं हो सकता, ठीक है, हर विद्वान बुद्धिमान नहीं हो सकता। कैसे नहीं हो सकता, एग्जाम्पल के लिए जैसे मैं बता दूँ, जैसे तुम जो मेरा वीडियो देख रहा है, हाँ तुम ही, तुम क्या किया, तुम पढ़ा, इतिहास पढ़ा, इतिहास के पढ़ करके इतिहास का प्रोफेसर बन गया, ज्ञानी। तुम्हारे इतना इतिहास पूरे तुम्हारे गांव में कोई नहीं जानता है, तो तुम क्या हो गए, तुम इतिहास का ज्ञानी हो गया। लेकिन उस ज्ञान के चक्कर में तुम घमंडी हो गया, ठीक है, घमंडी हो गया, और तुम्हारे बगल में कोई लोग जो है मर गया, क्या कोई मर गया, मर गया, तुम्हारे पड़ोसी मर गया, और तुम क्या कर रहा है कि तुम भले ही तुम ज्ञानी हो, प्रोफेसर, और तुम बाजा बजा रहा है, एकदम खुशी वाला बाजा, तो पूरा समाज तुमको क्या कहेगा, तुमको कहेगा फलामा भले प्रोफेसर बन गया लेकिन उसके पास बुद्धि नहीं है, उसके पास क्या है, उसके पास बुद्धि नहीं है, भले वो प्रोफेसर बन गया लेकिन उसके पास अकल नहीं है, बुद्धि नहीं है, बुद्धि नहीं है कि बगल में मर गया है और वो गाना बजा रहा है। तो अर्थात बुद्धि का काम क्या होता है, बुद्धि का काम होता है कि जिस प्रकार से परिवेश होगा उस प्रकार से खुद को ढालना, या बुद्धि का काम होता है, बुद्धि कहेगा कि जैसा परिवेश है वैसा ढल जाओ, जिस समस्या में हो उस समस्या का निवारण करने में बुद्धि मदद करता है, बुद्धि चिंतन करने में मदद करता है, सोचने में मदद करता है, जो उद्देश्य का जो कार्य होता है उस उद्देश्य का प्राप्त हम कैसे करेंगे। जैसे तुम सोचेगा कि बिहार में हम टॉपर कैसे बनेंगे इंटर में, तो कैसे बनेंगे टॉपर, तो इसके लिए बुद्धि आपको बताएगा, अच्छा तुम 4 घंटा पढ़ो, 5 घंटा पढ़ो, थोड़ा सा टहल लो, ठीक है, इस प्रकार से। तो ये आपको बुद्धि का काम होता है, जबकि ज्ञान का काम होता है बस पढ़ करके उनके बारे में जानना, ठीक है, समझ गए। इसलिए हर विद्वान बुद्धिमान नहीं होता। मान के चलो मैं हूं, मैं टीचर हूं, तो टीचर का परिवेश कैसा कैसा होना चाहिए, कि साफ सुथरा रहना चाहिए, है कि नहीं। ये जो मैं टीचर हूं, बाल बाल बिखरा हुआ है, गंदा मैल उल कपड़ा वपड़ा पहने हुए, एकदम गंदा सा फटा वटा जैसे तैसे मैं रहता हूं, साफ सफाई जीरो, साफ सफाई तो मेरे में नहीं है। क्या कोई देख करके कहेगा कि मैं टीचर, नहीं। तो यदि कोई जानेगा कि मैं टीचर हूं तो दुनिया क्या कहेगा, दुनिया यही कहेगा कि वो भले टीचर है, भले उसके पास नॉलेज है लेकिन बुद्धि नहीं है, बुद्धि नहीं है कि वो साफ सुथरा से रहे, बुद्धि उसके पास नहीं है कि साफ सुथरा से रहे। अर्थात बुद्धि का कार्य होता है जैसा समाज वैसा खुद को बदल लो, जिस समस्या में पड़ गए उस समस्या के समाधान के लिए बुद्धि का जरूरत कर लो, ठीक है। तो देखिएगा कि गांव समाज में देखिएगा कि बहुत लोग गवार रहता है, अनपढ़ रहता है,
ज्ञान के नाम पे जीरो रहता है, ठीक है, लेकिन वो इस प्रकार से बातचीत करेगा, इस प्रकार से बातचीत करेगा कि लगेगा कि ये तो बीए पास होगा, क्या होगा बीए पास। तो वो बिना पढ़ा लिखा व्यक्ति इस प्रकार से बातचीत करता है कि दूसरा व्यक्ति कह देता है कि ये तो पढ़ा लिखा है, तो इसमें वो कैसे बात कर लेता है, तो वह संभव होता है बुद्धि के कारण। अर्थात हर बुद्धिमान, ठीक है, हर बुद्धिमान जरूरी नहीं कि क्या हो, विद्वान हो। मान के चलो कि मेरे पास बुद्धि ये है, पिताजी से हमको गिफ्ट मिला है परंपरागत, कि मेरे पिताजी के पास बहुत दिमाग था, हम भी क्या करते हैं तुरंत दिमाग दौड़ा लेते, कोई भी समस्या हो गया तुरंत इस प्रकार से दिमाग लगा लेते कि वो समस्या का समाधान तुरंत हो जाता, लेकिन हम उतना पढ़ते ही नहीं है, ठीक है, हम उतना पढ़ते ही नहीं है। अर्थात जरूरी नहीं कि हर विद्वान बुद्धिमान हो और हर विद्वान बुद्धिमान हो, यह जरूरी है, यह जरूरी आपको नहीं है, ठीक है। तो प्यारे बच्चों यह हो गया बुद्धि और यह हो गया ज्ञान। आपके एग्जाम में कई बार प्रश्न भी पूछे जाते हैं कि बुद्धि और ज्ञान में क्या अंतर होता है, बुद्धि और ज्ञान में क्या अंतर होता है। तो बुद्धि जन्मजात हो सकता है, जब पहला अंतर क्या, पहला अंतर बुद्धि जन्मजात हो सकता है जबकि ज्ञान जन्मजात नहीं हो सकता, ठीक है। ज्ञान पुस्तकी होता है, पुस्तक के माध्यम से ज्ञान को प्राप्त किया जाता है, जबकि बुद्धि को पुस्तक के माध्यम से प्राप्त नहीं किया जाता है, ठीक है। तो यहां तक प्यारे बच्चों हमारा बुद्धि हो गया, ज्ञान हो गया। आशा करते हैं कि बुद्धि और ज्ञान आपको काफी अच्छे से समझ में आया हो, ठीक है। इसमें देखिएगा, जरूरी नहीं कि हर बुद्धिमान विद्वान हो और हर विद्वान क्या हो, तो बुद्धिमान हो, ठीक है। तो प्यारे बच्चों आज आप लोगों को काफी ज्यादा बुद्धि के बारे में समझ में आया होगा। हम आपको बुद्धि को आगे और बढ़ाते हुए नेक्स्ट क्लास में आपको यह बताएंगे कि बुद्धि का क्या परिभाषा होता है। परिभाषा के संदर्भ में बहुत मनोवैज्ञानिकों में मतभेद है, ठीक है। गाल्टेन ने बुद्धि का परिभाषा कुछ और दिया है, एस्टर्न ने बुद्धि के संदर्भ में कुछ और कहा है। तो जो भी बुद्धि का परिभाषा, जो प्रमुख परिभाषा है विद्वानों के आधार पर, हम उनके बारे में बताएंगे, तथा बुद्धि का जो विभाजन है, किन विद्वान के आधार पर उनका विभाजन किन किन प्रकार से है, हम इनके बारे में जानेंगे, तथा बुद्धि का जो सिद्धांत है उस सिद्धांत को भी हम लोग एक सेपरेट वीडियो में काफी अच्छे तरीके से हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे। जब इतना देख लेंगे फिर हम लोग आगे पढ़ेंगे कि बुद्धि लब्धि क्या होता है, बुद्धि लब्धि, ठीक है। बुद्धि लब्धि को शॉर्ट में हम लोग आईक्यू भी बोलते हैं, तथा बुद्धि लब्धि किस प्रकार से मापा जाता है, इनके बारे में भी काफी अच्छे से हम आपको काफी अच्छे से बताएंगे, ठीक है। तो प्यारे बच्चों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय, जय हिंद।